not a game, it's a rich thing. अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि कॉकरोचेस जो हैं वो हमारी दुनिया में नए नहीं हैं, बल्कि अगर हम लोग यूँ कह लें कि जिस ज़माने में डायनासोर हुआ करते थे उस ज़माने में भी कॉकरोच हुआ करते थे, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। चलें, अब हम लोग बात करते हैं कि कॉकरोचेस जो हैं इनका ताल्लुक किस फाइलम से है। कॉकरोच का फाइलम है आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा। ये ज़्यादातर ज़मीन पे ही रहते हैं और नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल का मतलब ये होता है कि आम तौर पर ये रात के टाइम ही एक्टिव होते हैं। कभी रात को आप लोग अपने किचन में जाएं तो आप लोगों को बहुत सारे कीड़े मकोड़े और कॉकरोचेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कलर की बात करें तो ये आमतौर पर ब्राउन, रेड, ब्लैक, ग्रीन, इन तीन चार कलर्स में ये लाजमी मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट, कॉकरोचेस जो होते हैं ये सब कुछ खा लेते हैं, इन्हें कुछ भी मिल जाए। फॉर एग्जांपल, इनको रोटी, गले सड़े फल फूल, ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट, इन्हें कुछ भी मिल जाए ये सब कुछ ही चट कर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइनीज़ जो हैं वो कॉकरोचेस को ही खा जाते हैं। लेकिन चले खैर, ये तो थी एक इन्फॉर्मेशन की बात। मेटाबॉलिक वेस्ट की बात करें तो कॉकरोच के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट दो तरह के होते हैं, CO2 और यूरिक एसिड। CO2 जो है वो कॉकरोच के टायरिकल सिस्टम से बाहर निकल जाता है, लेकिन यूरिक एसिड जो होता है वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसकी एनस से बाहर निकल जाता है। स्टूडेंट्स, आपने कभी बचपन में कॉकरोच को मारा हो तो आपको आइडिया होगा कि कॉकरोच के अंदर से ब्लड कभी भी नहीं निकलता। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर ब्लड होता ही नहीं है। कॉकरोच के अंदर एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं। हीमोलिम्फ बेसिकली क्या करता है? हीमोलिम्फ ना सिर्फ ये कि कॉकरोच के नाइट्रोजनस वेस्ट को इकट्ठा करता है, बल्कि ये इसके न्यूट्रिएंट्स को और बाकी मटेरियल्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को लीवर दिया हुआ है ताकि वो इंसान का नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा करे और उसको यूरिन में डाल दे और वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाए, तो इसी तरह से कॉकरोच के अंदर स्पेशल धागारुमा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं कि ये कॉकरोच के हीमोलिम्फ में से सारा वेस्ट इकट्ठा करती हैं और इसको बॉडी से बाहर निकलवा देती हैं। और आप लोगों ने यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि मैलपीशियन ट्यूब्यूल डाइजेस्टिव सिस्टम में से निकल रही होती हैं, यानी इसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर हम लोग देखें कॉकरोच के, तो इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के तीन पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। जबकि इसकी मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स कहाँ से निकलती हैं? मिडगट, जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है, और हाइंडगट, जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है। एक दूसरे एंगल से अगर हम लोग देखें तो ये बात बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है कि दुनिया के तमाम इंसेक्ट्स, तमाम कीड़े मकोड़े जो हैं, उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर यानी उनके मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स जो हैं वो उनकी खुराक की नाली के साथ ही अटैच होती हैं, जबकि बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ ही उसकी मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स अटैच होती हैं। तो ये देखें, ये इसकी खुराक की नाली है, यानी ये इसकी गट है। ठीक हो गया। अब गट के तीन हिस्से हैं। ये जो फर्स्ट पोर्शन है वो गिजर्ट पे आके ख़त्म हो जाता है। गिजर्ट के बाद क्या होता है कि ये जो बारीक से धागे हैं ये तो हेपेटिक सीकी हैं, इनका हमारे साथ इस टाइम कोई लेना देना नहीं है। हेपेटिक सीकी के नीचे ये जो आपको बलदार स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये जहाँ पे कर्सर है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडगट। तो मिडगट जहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो जहाँ मिडगट ख़त्म होती है वहाँ से मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स जो के इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि जहाँ पर मिडगट ख़त्म होती है और जहाँ से हाइंडगट स्टार्ट होती है वहाँ पर मौजूद होता है धागों का एक गुच्छा जिसे मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये मैलपीशियन ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये हीमोलिम्फ में से वेस्ट को इकट्ठा करती हैं। अब हीमोलिम्फ कहाँ पे होती है? एक्चुअली मैलपीशियन ट्यूब्यूल के ये जो धागे होते हैं ये डूबे होते हैं हीमोलिम्फ के अंदर। इसके चारों तरफ, मैलपीशियन ट्यूब्यूल के चारों तरफ क्या होता है
के वेस्ट होता है हीमोलिम्फ के अंदर मौजूद होता है, तो ये इसको जज़ब कर रही होती है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल जो है वो अब्सॉर्ब करते हुए हीमोलिम्फ को भी और साथ में उसके वेस्ट को भी अंदर ले आती है। जब ये चीज़ें फ्लूड अंदर पहुंचता है, ईलियम जो कि हाइंडगट का पहला हिस्सा है, यहाँ पे जब ये सारी आप कह लें कि अब्सॉर्प्शन वाला मटेरियल यहाँ पर आता है, तो जो अच्छे असेंशियल मटेरियल होते हैं उनको अब्सॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी चीज़ों को आगे कोलन की तरफ और रेक्टम की तरफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जब ये फ्लूड जो होता है, ये तमाम मटेरियल जब रेक्टम में पहुंचता है, तो इसकी एक दफ़ा दोबारा से स्क्रीनिंग कर ली जाती है इस तमाम फ्लूड की, कि अगर इसके अंदर कोई सॉल्ट सोल्यूट या कोई अच्छी चीज़ रह गई है तो उसको रीअब्सॉर्ब कर लिया जाए। यानी हाइंडगट जो होती है वो अब्सॉर्प्शन करती है, जबकि रेक्टम जो है वो रीअब्सॉर्प्शन करता है किसकी, अच्छे मटेरियल्स की, और जो वेस्ट होता है उसको क्रिस्टल्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। एक और एंगल से देखिएगा, यहाँ पर आप लोगों को जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली मेलपीजियन ट्यूब्यूल का एक सिरा है जिसके अंदर वाले खाली हिस्से को ल्यूमेन कहा गया है, और इस मेलपीजियन ट्यूब्यूल की दीवारों को ट्यूबुलर एपिथीलियम कहा गया है। इन्हीं दीवारों ने एक्चुअली क्या करना है, अच्छे मटेरियल्स को जज़ब करते जाना है। मेलपीजियन ट्यूब्यूल के बाहर क्या चीज़ मौजूद है, हीमोलिम्फ इन साइनसिस। साइनसिस कहते हैं खाली जगहों को, क्योंकि कॉकरोच के पास जो है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लिहाजा उसका जो ब्लड जिसे हीमोलिम्फ कहते हैं वो बाहर ही सर्कुलेट कर रहा होता है, जहाँ से मेलपीजियन ट्यूब्यूल वेस्ट को कलेक्ट कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को अगर आप लोगों ने याद करना है तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक फ्लो शीट डायग्राम बना दी है, आप इन पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, आप लोग देखें कि मैंने यूरिक एसिड की बात की थी जो कि कॉकरोच का वेस्ट मटेरियल है, इसका फॉर्मूला जो है एंट्री टेस्ट में पूछ लिया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टूडेंट्स, हम लोग देख लेते हैं कि ये टॉपिक कितना कि इम्पॉर्टेंट है। वैसे स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आम तौर पर एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है, अगर इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आए तो वो आम तौर पर दो ही पूछे जा सकते हैं, एक यूरिक एसिड का फॉर्मूला और दूसरा मेलपीजियन ट्यूब्यूल का फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट, जो दो MCQ हैं, अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर ध्यान से सुना है तो इनका आंसर आपके लिए करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।